यूपी में गड्ढामुख सड़कों का दावा करने वाली योगी सरकार की मंशा सीतापुर में जमीन दोजुती नजर आ रही है। नेशनल हाईवे 24 पर बारिश की वजह से जगह जगह बन गए जानलेवा गड्ढे कभी भी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। इतना सब होने के बावजूद जिला प्रशासन खामोश बैठा है। हाईवे पर वाहन चलते रहे इसलिए उन्हें कस्बा मोहली के अंदर से निकाला जा रहा है, जिससे दुर्घटना की संभावना बन गई है। मामला मोहली तहसील क्षेत्र का है। मोहली कस्बे से सटे नेशनल हाईवे पर जगह जगह गड्ढे हो जाने के कारण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रूट डाइवर्टेड करते हुए चार पहिया वाहनों को मोहली कस्बे के अंदर से रवाना कर रहा है। क्योंकि बारिश तेज हो रही है इसलिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी भी कुछ कर पाने में असमर्थ है। इस परिप्रेक्ष्य में एसडीएम मोहली सुश्री शैली से वार्ता की गई तो उन्होंने कहा कि इस बाबत कार्रवाई के लिए शासन को पत्राचार किया गया है, शीघ्र हाईवे को दुरुस्त कर दिया जाएगा। यहीं बने पुल से बस्ती में रह रहे बच्चे भी मौत में छलांग लगाते हैं, जो किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे की दावत दे सकती है। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद शेख। बेटा अभी तुम यहाँ उधर ब्रिज बना हुआ है, ट्रेन गुजर रही है वहाँ से तुम कूद के इस पे नहा रहे थे, डर नहीं लगता है? डर लगता है, सब लोग नहाते। अच्छा, क्या उम्र है तुम्हारी? 10। अच्छा, तो कब से नहा रहे वैसे? परसों से नहा रहे बस। अच्छा, आपका? मेरा नाम जफर है। अच्छा जफर भाई, ये बताओ यहाँ से पटरी से ट्रेन जाती है, ठीक है, आप लोग अगल बगल तालाब है, कूदते हैं, रोज नहाते हैं? रोज नहाते हैं। अच्छा, डर नहीं लगता है? डर नहीं लगता है, रोज बचपन से नहाते आए ना, इसीलिए डर नहीं लगता है। क्या उम्र है आपकी? हमारी 14 साल है। अच्छा, बहुत मजा आता है। बरसात में करते हैं कि वैसे भी? नहीं, सिर्फ बरसात में, क्योंकि वो जब ऐसे होता है तो पानी कम होता है ना, इसीलिए हम लोग सिर्फ बरसात ही में नहाते हैं। अच्छा,